ये जो शूटिंग रेंज हमने बनाया है वो शूटिंग रेंज में हमारे पनवेल की सुमा शिरूर जी जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गया, ओलंपिक तक वो पहुंची है। तो उसको जो दिक्कत ही आई कि यहाँ से मुंबई जाना, मुंबई में भी इतनी अच्छी रेंज नहीं है, फिर उनके जो गाइड थे बाम सर करके, उन्होंने बताया कि अगर आपको ओलंपिक से गोल्ड मेडल आना चाहिए, ओलंपिक से आप गोल्ड मेडल मिलाना चाहते हैं, तो आपको जैसे जैसे पहला चांस जो मिलेगा वो शूटिंग में मिलेगा। इसके लिए लेकिन करना पड़ेगा आपको कि शूटिंग रेंज अच्छी तरह से बांधना पड़े, जो इंडिया में आज नहीं है। तो फिर उनके गाइडेंस के नीचे हमने स्टार्ट किया। एक साल के अंदर हमने टारगेट रखा था, पिछले दिसंबर में 24 दिसंबर 2005 में हमने इसका भूमि पूजन किया था और चाहता 24 दिसंबर 2007 में हम करें, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, जब 5 महीना लेट हुआ, लेकिन हमने तो ये बांध के पूरा किया। और मुझे पूरा यकीन है कि शूटिंग में हमारे इस एरिया के न्यू मुंबई पनवेल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे शूटर्स ओलंपिक तक ये 4-5 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। उस तरह से हमारी यहाँ शुरुआत हमने किया, आपने देखा 50 मीटर्स राइफल शूटिंग में 14 रेंज हमने तैयार किया और 10 मीटर्स पिस्टल के 18 रेंज हमने किया, उसमें से 4 जो है एयर कंडीशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि आप शूटिंग कहाँ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हो, और एक्चुअली आप जब इस कंपटीशन में जाते हैं उसका एटमोस्फेयर क्या रहता है। तो हम लोग तो प्रैक्टिस के लिए इसमें से 10 मीटर्स में जो 18 टोटल उसमें से 14 जो है हम लोग अपने क्लाइमेट में रखेंगे, उसमें से 4 जो है वो एयर कंडीशन करके, वो जो जिस तरफ वहाँ ओलंपिक में या हो या इंटरनेशनल में हो जहाँ कंपटीशन बन जाती है उसको एटमॉस्फेयर तैयार करने का हम काम करेंगे। और यहाँ इंटरनेशनल कोच भी रखेंगे, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके कुछ ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जरूरत रहती है अच्छे कोचिंग की, तो कोचेज भी यहाँ हम लोग रखेंगे और इस एरिया में ये गेम में आगे जाने के लिए हम कोशिश करेंगे। नहीं इसमें तो हम लोग यही चाहते हैं कि सारे गेम में हम आगे जाएं, लेकिन वन बाय वन करना चाहे। देखिए आप देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स में, आप देखेंगे तो ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल भी तैयार हुआ है, बल्कि आपने यहाँ स्विमर्स बहुत है, छोटे छोटे स्विमिंग करते हैं, लेकिन जब ओलंपिक स्टैंडर्ड के वो साइज में कभी जब जाते हैं तो वहाँ वो फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने अपने देखा एक छोटा लर्नर्स स्विमिंग पूल रखा है, लेडीज के लिए भी एक खास स्विमिंग पूल रखा है और ओलंपिक साइज का भी स्विमिंग पूल रखा है। और ओलंपिक साइज के सारे जो गेम्स है उसके सारे इंडोर्स की सारे तैयारी हो रही है और विद इन 6 मंथ्स ऑल ओलंपिक साइज गेम जो है वो हम चल रहे हैं। ओके, विद दिस इनॉग्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेवल शूटिंग रेंज आई सिंसियरली होप दैट लोकल टैलेंट विल बी स्पॉटेड, local talent will be groomed and raised to the level of national and international standards. Thank you. Raigad aur Navi Mumbai mein jo rural area hai, jo gramin bhag hai yahan par, yahan ke ladke aur ladkiyon ke liye ye hona bahut zaruri tha. Yahan jo Karnada Sport Academy ki or se ye jo kaam ho raha hai aur unhone jo kaha ki hum log adivasi बच्चों को इसमें ज्यादा से ज्यादा प्राधान्य देंगे। आपने देखा कि सुषमा शिरूर जैसी लड़की यहाँ पर सिखाने वाली है, तो अभी नवी मुंबई और रायगढ़ में इसकी होनी बहुत जरूरी थी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों में टैलेंट होता है मगर आर्थिक परिस्थिति नहीं होती है, और ऐसा अच्छी जगह पर ये जो शूटिंग रेंज का जो आज इन्होंने बनाया ऐसा नहीं मिलता है, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने आगे जाकर उनको कहा कि विधायक काम के लिए हमेशा हम लोग, हमारे जो नेता है शरद चंद्र जी पवार साहब, उन्होंने हमेशा कहा कि 20% राजकारण 80% समाजकरण करो, और उसी उद्देश्य मैंने आज यहाँ पर ये जो महिला है, जो हमारी लड़की है, ये जो आगे आना चाहती है, आज आपने देखा कि देश भर में हमारी अंजलि भागवत है, सुषमा शिरूर है, दीपाली देशपांडे है, तो ऐसी जो लड़कियां जो हमारे आज राज्य की और पनवेल की यहाँ से जो पूरे देश भर में हमारा नाम जो रोशन कर रही है, उनको ही देखकर आगे बहुत सारे लड़कियों को इसमें आना चाहिए और उनको ये सीखने के लिए एक अच्छा कामयाब हो रहा है। देखा जाए तो पनवेल में इस प्रकार की शुरुआत की गई है, आपको नहीं पता कि इस प्रकार की जो चीजें
देखिए नवी मुंबई में नवी मुंबई स्पोर्ट क्लब है, मगर वहाँ पर आज तक तो कुछ हुआ नहीं। उसकी तो मैं पहले फाउंडर मेंबर हूँ नवी मुंबई स्पोर्ट क्लब की। अभी सिविली में भी आपने फिलहाल देखा कि एक स्पोर्ट क्लब हम लोग बना रहे हैं नवी मुंबई महानगर पालिका की ओर से, और वो प्रस्ताव मेरा ही था, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि बच्चों को, लड़का लड़कियों को खेल कूद में हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। उनके जो संस्कृति है, उनके जो उनके अंदर गुण है, उनको हम लोग प्रोत्साहन नहीं देंगे तो आगे कैसे आएंगे। इसलिए अभी आपने देखा कि नवी मुंबई में जो स्टेडियम हो रहा है सीबीडी विभाग में, उसमें अभी हाल में 2 दिन पहले अपना एक उद्घाटन हुआ है, और उसके लिए मैं प्रेक्षक गैलरी के लिए भी मेरे निधि से 10 लाख निधि दे चुकी हूं, और भी उनको अगर किसी काम के लिए लगेगा तो ये काम जो है विधायक काम है, और इसमें से हमारे देश का नाम और राज्य का नाम रोशन होगा, इसमें से अनेक बच्चों को खेलने का एक साधन मिल जाएगा। एक सवाल, आपको लगता है कि जैसे पनवेल में अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की इस प्रकार की जो क्लब आए हैं, जिसकी अगर शुरुआत हुई है, क्या नवी मुंबई में भी अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के खेल को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ पहल होनी चाहिए? चाहिए, खेल को बढ़ावा देने का पहल पहले शुरू से ही होना चाहिए था, मगर आज तक किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, और ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ के जो आमदार है विवेकानंद जी पाटिल, उन्होंने हमेशा ही देखा है हमने कि खेल में रुचि रखते, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे स्विमिंग हो, या चाहे शूटिंग रेंज हो। इन्होंने जो करनाला स्पोर्ट एकेडमी जो बनाया है बहुत ही अच्छा है, इससे नवी मुंबई और रायगढ़ के बच्चों को काफी एक आधार मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ भी हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, हमारे इस राज्य के बच्चों को ओलंपिक में जाकर हमारा देश का नाम रोशन करना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि बनमेली नहीं तो हमारे पूरे राज्य में ऐसा होना बहुत जरूरी है। करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी पनवेल इथे दुसरी विश्वचषक कबड्डी सामने आयोजित करण्यात आले होते। आता याच एकेडमीच्या कंपाउंड मध्ये एक फार मोठं आज आयोजन करण्यात आलं, आणि ते म्हणजे शूटिंग साठी, आणि विवेक पाटील आमच्या बरोबर इकडे जे आहेत त्यांनी याच्यात फारच मोठं योगदान केलं आहे। पाटील साहेब सांगा की काहीच दिवसापूर्वी इकडे कबड्डी आणि आता शूटिंग याची आयोजन आपण कशी आपल्या कल्पनेत आली? नाही काय, एकदा आम्ही ठरवलेलं आहे की ह्या परिसरातल्या खेळाडूंना एक चांगली संधी निर्माण करून द्यायची, आणि त्याच्यामुळेच कबड्डीचा आपण इंटरनॅशनल टुर्नामेंट घेतलेली आहे विश्वचषक कबड्डी स्पर्धा, त्याच्यातनं निश्चितच ह्या परिसरातल्या खेळाडूंना एक नव्याने प्रोत्साहन मिळालेलं आहे। कबड्डीबद्दलचं प्रेम आदर पूर्वीपासून होताच, पण ह्याच्यामुळे अनेक वाढीस लागलेला आहे, आणि खेळाडूंमध्ये एक नवा विश्वास निर्माण झालेला आहे, नवीन जिद्द निर्माण झालेली आहे। त्याचप्रमाणे ऑलिम्पिकपर्यंत जर खेळाडू पोहोचवायचे असतील तर आता प्रत्येक गोष्टी शॉर्टकट पाहिला जातो। सध्या जे ऑलिम्पिकमध्ये खेळ आहेत, म्हणजे नव्याने कबड्डी सारखा आपला जो खेळ आहे या परिसरामधला, तो ऑलिम्पिकमध्ये त्याचा समावेश व्हावा प्रयत्न आपला तर आहेच, पण त्याचबरोबर सध्या ऑलिम्पिकमध्ये असणाऱ्या खेळामध्ये सुद्धा आपल्याला कसं ऑलिम्पिकमधनं गोल्ड मेडल मिळतील त्यासाठी प्रयत्न करणं हा दुसरा एक भाग आहे, आणि त्याचा एक भाग म्हणूनच आज ह्या अत्याधुनिक अशी शूटिंग रेंज आपण बांधलेली आहे। आता पण पाहिजला फार इंटरनॅशनल कोचेस या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांनी देखील मान्य केलं की आतापर्यंत असं ह्या भारतामध्ये अशा प्रकारची शूटिंग रेंज नाही आहे। हे साधन निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, आणि हे साधनं निर्माण झालेली आहेत, इंटरनॅशनल कोचेस आम्ही ठेवणार आहोत, आणि ह्या परिसरातल्या खेळाडूंना एक चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन संधी देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, आणि ह्या संधीच्या माध्यमातून, ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून आणि मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून त्यांना पुढे नेऊन ऑलिम्पिकपर्यंत पोहोचवून ऑलिम्पिकमध्ये गोल्ड मेडल आणण्याचं आमचं स्वप्न आहे, आणि त्याला आज आम्ही या ठिकाणी सुरुवात केली आहे। मला सांगायला अभिमान वाटतो की आता ऑल इंडिया रेल्वेच्या, ऑल इंडिया फेडरेशनच्या स्पर्धा शूटिंग रेंजच्या होणार आहेत, त्यांनी सर्वकर्त्या शूटिंग रेंज पाहिल्या, आणि आपली शूटिंग रेंज पाहिल्यानंतर त्यांनी पुढच्या महिन्यामध्ये या ठिकाणी त्यांच्या ऑल इंडिया रेल्वेच्या शूटिंगच्या स्पर्धा आहेत, ज्या आपल्या ह्या रेंजमध्ये आयोजित केलेल्या आहेत। म्हणजे ह्या ठिकाणी येऊन आता भारतातले सारे प्लेयर जे आहेत रेल्वेमध्ये काम करणारे, ते ह्या ठिकाणी येऊन खेळणार आहेत, त्याचा लाभ या ठिकाणी आमच्या खेळाडूंना देखील मिळणार आहे, त्यांच्यासोबत आमचे खेळाडू देखील स्पर्धा करतील, आणि ह्या निश्चितच ह्या खेळामध्ये आपण पुढे जाऊ असा मला विश्वास वाटतो। सुमा शिरूर पनवेलची आहे, एक त्यांच्याकडनं तुम्हाला फार चांगली प्रेरणा मिळाली असेल? नाही, सुमा शिरूरांच्यामुळेच ह्या खेळामध्ये आणि ह्या गेममध्ये आपण ह्या शूटिंग रेंज बांधण्याचा निर्णय घेतला, कारण सुमा शिरूर यांचा ऑलिम्पिकमधनं जेव्हा थोडासा कारणासाठी आपलं गोल्ड मेडल हुकल्यानंतर जेव्हा आम्ही चर्चेला बसलो तेव्हा सांगितलं की ह्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं शूटिंग रेंज असणं गरजेचं आहे, ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपल्यामुळे खेळणार नाही, त्याच्यामुळे सुमा शिरूर यांच्यापासूनच ही प्रेरणा आम्हाला मिळाली,
त्याचबरोबर त्यांचे मार्गदर्शक बाम सर जे आहेत त्या बाम सरांच्या मार्ग त्यांचा सुद्धा त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी प्रेरणा दिलेली आहे. आणि सुमाशुरी तर फक्त स्वतःसाठी सराव करणार नाहीयेत, प्रॅक्टिस करणार नाहीयेत, तर त्या नवीन खेळाडूंना, नवोदित खेळाडूंना मार्गदर्शन सुद्धा करणार आहेत. ते कोच त्या पहिल्यांदा बनणार आहेत आणि त्यांच्यानंतर इंटरनॅशनल कोच आपण आणणार आहोत, तर त्यांचा देखील फार चांगला उपयोग झालेला आहे. पाटील साहेब, एक स्वप्नाची आता सुरुवात झाली आहे, स्वप्नपूर्तीची सुरुवात झाली असं मला वाटतंय. स्वप्न तर आम्ही पहिल्यापासून पाहिलेलं आहेत, आता त्या स्वप्नपूर्तीकडनं वाटचाल सुरू झालेली आहे. त्या स्वप्नपूर्तीच्या पहिल्या पायरीवर आम्ही पोहोचलेले आहोत याची आम्हाला जाणीव आहे, का अजून पायऱ्या आम्हाला चढायच्या आहेत. पण आमची जिद्द, आमची मेहनत, त्यापेक्षा आमचा प्रामाणिकपणा, त्याच्या जोरावर आम्ही निश्चितच शेवटच्या पायरीपर्यंत जाऊन यश संपादित करू असा विश्वास मला वाटतो. 2012, 2016, 2020 हे तुमच्या समोर असेलच, बीजिंग ऑलिम्पिक्स, लंडन आणि त्याच्यानंतरचे ऑलिम्पिक्स. 2012 या शूटिंग रेंज ह्या खेळामधनं आपल्याला गोल्ड मेडल मिळालं पाहिजे असं आमचं टार्गेट आहे. आणि बाकीच्या खेळामध्ये आपण म्हणला तसं 2012, 2016, 2020 त्याच्यामधनं होत जाणार आहे, पण 2012 सुरुवात झालीच पाहिजे अशी आमची तयारी सुरू झालेली आहे. और मैं अपनी पूरी जिंदगी 2 घंटे मुंबई तक जाकर शूटिंग करती रही, लेकिन अभी यहाँ के लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी ओपन हुआ है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है. एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक कि एक नई चीज़ यहाँ पर शुरू हो रही है और बहुत सारे नए बच्चों को एक अच्छा खेल का एक अपॉर्चुनिटी. खुद आप यहाँ से ही ताल्लुक रखती हैं और आपने भी काफ़ी सारी परेशानियाँ इस दौरान महसूस की जब आप खुद ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाती थी, तो क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में यहाँ पे टैलेंट है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी उस टैलेंट को उभारने में रोक रही थी पहले? डेफिनेटली, लाइक मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन जिस बिकॉज यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज नहीं थे वो नहीं कर पा रहे थे. तो आई थिंक जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, जितने लोग शूटिंग करेंगे, उतना हम ज़्यादा टैलेंट को खोज पाएंगे. आई थिंक इट्स लाइक ऐसे ही हमें धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ाना है, सो दैट यू नो वी गेट ओवरऑल एक टैलेंट उभर कर आए और उसमें से वी गेट द बेस्ट बेस्ट फ्रॉम द कंट्री. राइट नाउ जो हमें मिल रहा है वो जो जितने कर रहे हैं उसमें से बेस्ट मिल रहा है. मे बी देयर इज अ लॉट मोर इन्वॉल्व बेटर आर, बट जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, आई थिंक एक अच्छा पेज. यानी आपका ये कहना है कि अगर दूसरे देशों से तुलना की जाए तो हमारे देश में भी काफ़ी सारे टैलेंट हैं, लेकिन वो उभर के अभी तक फिलहाल नहीं आ पाए हैं. डेफिनेटली, शायद हमारे यहाँ हमारे बीच में भी ओलंपिक चैंपियन है, मतलब पोटेंशियल है जो एक ओलंपिक मेडल जीत सकता है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी कभी मिला नहीं होगा. सो आई थिंक उसी को खोज कर निकालना है अभी, और यही हमारा टास्क है. यहाँ पे आप खुद बच्चों को यहाँ पे प्रशिक्षित करेंगे, क्या है यहाँ की शूटिंग रेंज की जो शुभारंभ हो रहा है, क्या यहाँ की खासियत है और किस प्रकार से आप प्रशिक्षण देंगे यहाँ पे बच्चों को? मैं पर्सनली राइट नाउ उतना जितना अटेंशन शायद दे पाऊँ, लेकिन हम नेशनल लेवल कोचेज यहाँ रखने वाले जो बच्चों को लाइक शॉर्ट टू शॉर्ट ऑब्जर्व करेंगे, और यही कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में वो आगे निकल के जाए, और कुछ सालों बाद जब सच में जब वो एक लेवल पर आ जाएंगे तो आई थिंक हम पूरी कोशिश करेंगे. एंड आई विल डिवोट डेफिनेटली मोर ऑफ माई टाइम फॉर द चिल्ड्रन, सो दैट आगे बड़े कम समय में और यहाँ से बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय. डेफिनेटली, अब मैं ओलंपिक्स तक गई हूँ तो मुझे ऐसे एक रास्ता पता है, तो आई वांट कि मैं और बच्चों के साथ शेयर कर सकूँ, और ये जो एक नया लाइन है, एक नया चॉइस है, ये और बच्चों को. आई होप कि विद माय हेल्प लॉट चिल्ड्रन विल बेनिफिट एंड वी क्रिएट अ होल न्यू शूटिंग. विवेक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा जो सारा प्रकल्प उभा आहे, तर या प्रकल्पामध्ये आपलं योगदान किती आहे? ऍक्च्युली मला वाटतं की ऑलिम्पिक्स पर्यंत मी गेलेले आणि फायनल्स पर्यंत आले, तर हे त्यांच्या मनात असं आलं असेल नक्कीच की आपल्या पनवेलमध्ये एक ऑलिम्पिक पर्यंत पोहोचली आहे खेळाडू, तर नक्कीच आपण या खेळासाठी जरा ह्याच्यात जरा लक्ष देऊन. आणि मग त्यांना वाटलं की आपण शूटिंग इकडे इंट्रोड्यूस का नाही करू शकत, आणि त्यांनी असंच विचारलेलं. आणि मला मी तेव्हा वाटलं आय डिंट टेक इट सो सिरियसली, पण जेव्हा त्यांनी सिद्धार्थकडनं प्लॅन मांडला तेव्हा मला वाटलं की नाही, हे खरोखर ते सिरियस आहे. आणि एवढा मोठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आणि खरं म्हणजे
आज जर ऑलिम्पिक मध्ये आपल्याला मेडल मिळू शकेल तर ते शूटिंग मध्येच आहे. आणि हे आता सगळ्यांना माहिती आहे आणि लास्ट ऑलिम्पिक मध्ये पण शूटिंग मध्येच आपल्याला मेडल मिळालेलं आहे. तर आय थिंक जर आपल्याला खरं कॉन्ट्रीब्युशन स्पोर्ट्ससाठी करायचं असेल तर वी हॅव टू इन्क्लूड शूटिंग. अँड नाव राईट नाव वी कॅन नो आपण शूटिंगला अजिबात नेग्लेक्ट करू शकत नाही. सो आय थिंक ही इज अ रिअल स्पोर्ट्स लव्हर अँड ग्रेट विजन. आणि बघूया आता हे जी सुरुवात आहे तर ह्याचं रनिंग विल बी ऑल द मोर डिफिकल्ट बट वी होप टू डू अवर बेस्ट. कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या माध्यमातून पुढील काही योजना आहेत का आपल्या जीवनामध्ये? नॉट रिअली. आता एक शूटिंग रेंज आहे आता ही जी सुरुवात आहे तर आय थिंक लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम. हळूहळू एक एक पायरी आपण आम्हाला जी माहिती मिळालेली आहे की आपण प्रशिक्षण देणार आहात इथल्या स्थानिक नेमबाजांना तर त्याबाबत. या डेफिनेटली मी इकडे जेव्हा मी स्वतः शूटिंग करते म्हणून मला मी जेवढा वेळ इथे राहणार त्याच्यात पूर्ण वेळ ह्याच्यात लक्ष देणार आहे. मुलांना बिकॉज ऑफ कोचिंगची कमी असल्यामुळे त्यांना काही ते वेळ वाया घालू नये. मला वाटतं की मुलं आपल्यापेक्षा जास्त बिझी आहेत आणि कमीत कमी वेळात त्यांना मॅक्सिमम आउटपुट द्यायला हवं. म्हणून मी किंवा माझ्या नेतृत्वाखाली आपले कोचेस असतील, नॅशनल लेवल शूटर्स असतील, ते कोचेस म्हणून येणार. आय थिंक टुगेदर विथ अ लॉट ऑफ अदर पीपल वी हॅव टू गेट द बेस्ट. थँक्यू.